A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. Real analysis, topology of real numbers ka next video. Last video jo hamara tha wo interior of a set, interior of a point humne padha tha. Interior of a point ya interior of a set mein usse based jo theorems hain, aaj ke video mein hum theorems ko discuss karenge. In theorems ka one by one proof dekhte hain. Usse pehle main आपको इंटीरियर को रिकॉल करवा दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोस के लिंक मैं दे दूंगा जिसमें आपको नेबरहुड से लेकर के इंटीरियर तक सारे वीडियोस देखने के बाद ये वीडियो बड़े इजीली समझ में आएगा. किसी भी एक्स पॉइंट को किसी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट हम कब कहते हैं, जब एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी एक ओपन इंटरवल जो है वो किसके अंदर आ जाए, ए के अंदर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. या फिर हम कहते हैं कि अगर ए एक्स का नेबरहुड हो जाए, दोनों स्टेटमेंट सेम है, अगर ए एक्स का नेबरहुड हो गया तो एक्स ए का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट. तो किसी भी सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन जो होता है उसको हम बोलते हैं ए इंटीरियर. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक इंटरवल दे दिया 1, 2 और हमसे कहा जाए कि चेक करो क्या 1.5 इस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1.5 हो गया. 1.5 को कंटेन करने वाला कोई भी एक छोटा सा ओपन इंटरवल अगर हम ले लें 1.4 से लेकर के 1.6, तो ये जो ओपन इंटरवल है जो 1.5 को कंटेन कर रहा है और उसके साथ साथ ये ओपन इंटरवल इस ए के अंदर भी आ रहा है, इट मीन्स द पॉइंट 1.5 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. तो 1.5 ए का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा. तो जितने इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन होगा उस इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को हम बोलते हैं ए इंटीरियर. यहाँ पे ए इंटीरियर अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ओपन इंटरवल ऑफ 1, 2. डिटेल में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ. आते हैं पहली थ्योरम में. देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या है, फॉर एनी सेट ए, ए इंटीरियर इज ओपन. ओपन सेट क्या था कि अगर कोई भी सेट उसके अंदर जितने पॉइंट्स उसमें आ रहे हैं अगर वो सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड का काम करता है कोई भी सेट, उस सेट को हमने ओपन सेट बोला था. ये भी मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ. कोई भी सेट, अगर कोई भी सेट अपने अंदर जितने पॉइंट्स कंटेन कर रहा है अगर वो हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं. तो वही प्रॉपर्टी आपको ए इंटीरियर में दिखानी है, आपको ये प्रूफ करना है कि ए इंटीरियर इज ओपन, यानी कि ए इंटीरियर के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट्स के लिए ए इंटीरियर किसका काम करेगा, नेबरहुड का काम करेगा. आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ पहले वाले का. प्रूफ में आप देखिए फर्स्ट केस, इफ ए इंटीरियर इज इक्वल, पहले फाइव वाला केस लेते हैं, इज इक्वल टू फाइव यानी कि नल सेट है और कोई भी सेट अगर नल सेट होता है तो उसको ओपन सेट कहते हैं, ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं. देन ए इंटीरियर इज ओपन, तब तो आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है. केस टू, इफ ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू फाइव, इट मींस ए इंटीरियर में कम से कम एक एलिमेंट तो है ही है. देन लेट अस कंसीडर एक्स, एक हमने एलिमेंट ले लिया किसका, ए इंटीरियर का. तो अगर एक्स ए इंटीरियर का एलिमेंट है तो इसका मतलब एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल किसके अंदर आ रहा होगा, ए के अंदर आ रहा होगा. इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई. ओपन इंटरवल क्या होगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन. ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जो एक्स के, एक्स को कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये एक्स जो है ए इंटीरियर में आ रहा है तो एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल आपको एक ऐसा जरूर मिलेगा जो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ ए. ये हमने किसके डेफिनेशन का यूज किया है, ए इंटीरियर की. हमने क्या किया, x ए इंटीरियर का एक पॉइंट लिया, ए इंटीरियर की डेफिनेशन लगाई कि अगर कोई भी पॉइंट किसी सेट के इंटीरियर में आ रहा है तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला जो ओपन इंटरवल होगा वो किसके अंदर आएगा, a के अंदर आएगा. तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि x बिलोंग्स टू
ए इंटीरियर, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ ए। अब अगर हम इसकी बात करें, यहां पे तो हमने एक्स लिया था ए इंटीरियर का, अब हम क्या करते हैं एक एलिमेंट वाई ले लेते हैं, किसका, आई का। अगर वाई हमने आई का एलिमेंट लिया, और आई कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। इट मींस आई इज अ नेबरहुड ऑफ वाई। ये तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी ओपन इंटरवल अगर है, उस ओपन इंटरवल का के अंदर का कोई भी एक पॉइंट अगर आप लोगे, तो वो जो सेट होगा आई, वो उसके लिए नेबरहुड का काम करेगा। ये हम देख चुके हैं, जैसे 1,2 का ओपन इंटरवल आपने लिया, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, सपोज हमने 1.5 लिया, तो ये 1.5 के लिए ये जो ओपन इंटरवल है किसका काम करेगा, नेबरहुड का। अब आई और ए में क्या रिलेशन है, देखिए ये सब मैं पहले प्रूफ करा चुका हूँ। अगर ये जो आई है एक्स के लिए नेबरहुड है, तो आई किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर। अगर आई एक्स का नेबरहुड है, तो इसी तरीके से ए भी किसका नेबरहुड हो जाएगा, एक्स का नेबरहुड हो जाएगा। ये भी थ्योरम मैं आपको पहले करा चुका हूँ। तो जितने आई के सुपरसेट बनते जाएंगे, वो सारे के सारे सुपरसेट्स किसका काम करेंगे, नेबरहुड का, अगर आई नेबरहुड का काम कर रहा है। आई एक्स का नेबरहुड है, तो आई को कंटेन करने वाले जितने भी सेट्स होंगे, वो भी एक्स के लिए किसका काम करेंगे, नेबरहुड। इट मीन्स ए इज अ नेबरहुड ऑफ वाई। अब ये तो मैंने आई का एक जनरल एलिमेंट लिया, अगर मैं वाई की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट ले लूँ, जेड, जेड हमने आई का एलिमेंट लिया, या हम इसको सिर्फ अभी वाई की बात करें। देखो वाई जो है, ए जो है वाई का क्या है, नेबरहुड है। मैंने अभी आपको बताया इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब कोई भी सेट किसी पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है, तो वो पॉइंट उसके लिए क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। इट मींस वाई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो वाई किसका काम कर रहा है, वाई किसका काम कर रहा है, इंटीरियर पॉइंट का। इसका मतलब अब अगर मैं वाई की जगह जेड ले लूँ, तो वो जेड भी इसके लिए इंटीरियर पॉइंट होगा। इसके जगह पर पी ले लूँ, तो आई के जितने पॉइंट्स आप लेते जाएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट किसका काम करेंगे, इंटीरियर पॉइंट का काम करेंगे, किसके लिए, ए के लिए। इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ आई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। आई के जितने पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे ए इंटीरियर के अंदर आ रहे हैं। इट मींस आई क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर का सबसेट हो जाएगा। अब आप देखिए, जो आई था, आई एक ऐसा ओपन इंटरवल था जो किसको कंटेन कर रहा था, एक्स को, और आई को कंटेन करने वाला जो सेट हमने ए लिया था, वो ए एक्स के लिए किसका काम कर रहा था, नेबरहुड का। इसी तरीके से ये जो एक्स है, ये आई के अंदर आ रहा है, ये तो पहले से आपको पता है, और आई किसके अंदर आ रहा है, ए इंटीरियर के अंदर। इट मींस ए इंटीरियर भी एक्स के लिए क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। नेबरहुड की डेफिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे, इट मींस ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स एक जनरल पॉइंट है। इसका मतलब आई के जितने पॉइंट्स आप लेते जाएंगे, वो सारे के सारे पॉइंट के लिए ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, नेबरहुड का काम करेगा। तो इसका मतलब सिंस एक्स इज आर्बिट्ररी, इट मींस ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। दिस इंप्लाइज ए इंटीरियर इज ओपन, क्योंकि अगर कोई भी सेट अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो उस पॉइंट को, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू लिया हम, 3,4 ये हमने ओपन इंटरवल लिया। इसका अगर हम इंटीरियर का कलेक्शन बनाएंगे, तो हमने देखा था इसके प्रीवियस वीडियो में, वो ओपन इंटरवल बना था 3,4 का। इस केस में अगर आप इसका ए इंटीरियर निकाल रहे हैं, तो वो ए इंटीरियर कैसा सेट आ रहा है, ओपन इंटरवल आ रहा है। और ओपन इंटरवल, सबसे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। इट मींस ये जो
नया ये ए इंटीरियर आया है, ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, और कोई भी सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है तो वो सेट कैसा हो जाता है? ओपन सेट। एक एग्जांपल देखिए आप, इसी सेट को मैं चेंज कर दूँ 3,4 ये कर लूँ, ये ओपन और ये क्लोज है, तो ए इंटीरियर यहाँ पे भी क्या आएगा 3,4, फिर से ये ओपन इंटरवल आ रहा है, और ओपन इंटरवल अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो न्यूमेरिकली भी हमने देखा और थ्योरम का प्रूफ भी मैंने आपको कराया, बार बार रिपीट करके अगर आप ये थ्योरम देखेंगे तो बड़े इजीली आपको फिर समझ में आएगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम याद रखनी है कि किसी भी सेट का अगर आप इंटीरियर निकालते हैं तो वो इंटीरियर हमेशा क्या होता है? ओपन सेट होता है, और ओपन सेट क्या होता है? अपने हर एक पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड होता है। सेकेंड थ्योरम देखिए, सेकेंड थ्योरम क्या है? ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए। समझते हैं इसको? अगर ये तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी सेट का अगर हम इंटीरियर निकालते हैं तो वो ओपन सेट होगा, और सीधा सीधा स्टेटमेंट हम बोलेंगे किसी भी सेट का इंटीरियर अगर हम निकाल रहे हैं तो वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। अब जो सेकंड थ्योरम है कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, कहने का मतलब यह है कि आपने आपको कोई सेट ए दिया था, उसका ए इंटीरियर निकाला आपने, और ये ए इंटीरियर क्या होगा? ओपन सेट होगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, यानी कि नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स, इट्स का मतलब ए की बात हो रही, इट्स पॉइंट्स, ए के हर एक पॉइंट का ही नेबरहुड होगा। अगर अब हम इस सेकंड थ्योरम में ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई भी ए का सबसेट लिया, अगर वो ओपन सेट है पहले से, तो ये ओपन सेट जो है, हमने किसका ओपन सेट लिया हुआ है? सबसेट किसका है? ए का। इसको ऐसे समझिए आप, ए जो सेट है उस सेट का हमने एक सबसेट लिया बी, और वो कैसा सेट है? ओपन सेट है। फिर आपने एक सेट और लिया सी, वो भी ओपन सेट आपने ले लिया। तो ए के जितने आपने ओपन सबसेट्स लिए, उन सारे ओपन सबसेट्स में जो सबसे बड़ा ओपन सेट होगा वो क्या होगा? ए इंटीरियर। यानी कि हम ही करेंगे इसमें यहाँ पे प्रूफ, हम बी को ए का सबसेट लेंगे और ये मान लेंगे कि क्या है? ओपन है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो ओपन सेट हमने लिया है, ये ओपन सेट किससे छोटा होना चाहिए? ए इंटीरियर से। अगर ये ओपन सेट ए इंटीरियर से छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली ए इंटीरियर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ओपन सेट हो जाएगा। यानी कि कोई भी सेट ए के लिए सबसे बड़ा ओपन सेट अगर हम निकालेंगे तो वो सेट ए इंटीरियर इट्सेल्फ होगा, बाकी जितने ओपन सेट्स होंगे वो ए इंटीरियर से छोटे होंगे। तो ये हमको लेकर के ये प्रूफ करना है। मैंने एक पूरा एक जनरल आइडिया आपको दे दिया है, यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि लेट बी सबसेट ऑफ ए इज ओपन, ये ओपन सेट हमने लिया। केस वन, इफ बी इक्वल टू 5, देन टारगेट आपको क्या प्रूफ करना है, ये आप मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। हम बी एक ओपन सेट लेंगे ए का सबसेट, और ये प्रूफ करेंगे कि बी जो है वो ए इंटीरियर के अंदर आना चाहिए, यानी कि जितने ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे ओपन सेट में सबसे बड़ा ओपन सेट क्या होगा? ए इंटीरियर। तो आप देखिए, बी अगर फाई के इक्वल है तो फाई क्या होता है? हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ए इंटीरियर का भी सबसेट हो जाएगा। तो थ्योरम प्रूफ हो गई। अगर जो हमने ओपन सेट दिया था अगर वो नल सेट है तो ऑटोमेटिकली ए इंटीरियर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ओपन सेट। केस टू, इफ बी इज नॉट इक्वल टू 5, देन कम से कम एक एलिमेंट बी में होगा ही होगा, क्योंकि बी ओपन सेट है, और ओपन सेट क्या होता है? अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। इसका मतलब बी इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। अब ये जो बी है वो ए का नेबरहुड है, हमको प्रूफ करना है कि बी जो है ए इंटीरियर का सबसेट है। तो क्योंकि बी जो है ए का नेबरहुड है, और बी अगर ए का नेबरहुड है और बी के जितने भी सुपर सेट्स हम लेंगे वो भी ए के नेबरहुड, सॉरी एक्स का नेबरहुड हो जाएगा, इट मीन्स एक्स सॉरी ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि बी किसका सबसेट है?
ए का। अब आप देखिए, किसी भी सेट का अगर हम कोई पॉइंट चेक कर रहे हैं, अगर वो ए जो है एक्स का नेबरहुड है, तो एक्स ए का क्या हो जाएगा? अगर कोई सेट ए एक्स का नेबरहुड है तो एक्स ए का क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट। इट मींस एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा? ए इंटीरियर में। तो इसका मतलब हमने एक्स लिया किस में था? बी में, और प्रूफ कर दिया एक्स किस में है? ए इंटीरियर में। अगर कोई एक एलिमेंट किसी सेट में लेकर के दूसरे सेट में हम प्रूफ कर दें, तो ये पहला वाला सेट दूसरे सेट का क्या हो जाता है? सबसेट हो जाता है। और यही हमको प्रूफ करना था। इट मींस जितने भी ए के हम ओपन सेट्स बनाएंगे, उन सारे ओपन सेट्स में सबसे बड़ा ओपन सेट क्या बन रहा है? ए इंटीरियर, क्योंकि हमने बी एक जनरल सेट लिया हुआ था, सिंस बी इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट, और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। थर्ड थ्योरम पे आते हैं। देखिए, अगली थ्योरम में क्या प्रूफ करना है? इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ आर, क्या है? लेट ए इज एनी सबसेट ऑफ आर। तो आपके प्रूफ करना है कि ए इंटीरियर सबसेट ऑफ ए होगा। तो किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा इस सेट का, और प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इस सेट में भी है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एक एलिमेंट हमने किस में ले लिया? ए इंटीरियर में। अगर एक्स ए इंटीरियर में है, तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है एक्स का क्या रहा होगा? नेबरहुड रहा होगा। इट मींस ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो वो पॉइंट उस सेट में भी बिलोंग करता है। हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा? ए में। एक्स लिया था ए इंटीरियर में और प्रूफ कर दिया ए में। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो ए इंटीरियर सबसेट हो जाएगा किसका? ए का। तो ये थर्ड वाली थ्योरम का प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल प्रूफ है। आते फोर्थ में। फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि ए सबसेट है किसका? बी का। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए इंटीरियर सबसेट ऑफ बी इंटीरियर। तो ए इंटीरियर का एक एलिमेंट हमने ले लिया एक्स, यानी कि ए क्या हो जाएगा? इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर ए एक्स का नेबरहुड है, तो ए के जितने सुपरसेट होंगे वो भी नेबरहुड होंगे किसके? एक्स के। इट मींस बी इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ एक्स। और अगर B X का नेबरहुड हो गया, तो इट मींस X क्या हो जाएगा? इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ B। अगर X B का इंटीरियर पॉइंट है, तो X किस में बिलोंग कर जाएगा? B इंटीरियर में। तो लिया तो हमने A इंटीरियर में था X, और प्रूफ कर दिया कि X किस में है? B इंटीरियर में। इट मींस A इंटीरियर किसका सबसेट हो जाएगा? B इंटीरियर का। यही हमको प्रूफ भी करना था यहाँ पे, और सिंपल सा प्रूफ है फोर्थ। फिफ्थ वाले का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ट्राई कीजिए कि इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे इसका हम प्रूफ कर सकते हैं, ये आप खुद से ट्राई करिए। मैं इसका एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। जैसे ए हमने लिया 2,3, इसका अगर हम ए इंटीरियर निकालेंगे, तो वो ए इंटीरियर क्या हो जाएगा? 2,3 का ओपन इंटरवल, काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है। इसका दोबारा से इंटीरियर अगर हम निकालें, तो फिर से भी तो ये ओपन इंटरवल 2,3 आएगा, और ये 2,3 किसके इक्वल हो गया? ए इंटीरियर के। तो इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज अगेन ए इंटीरियर के इक्वल होता है। ये आप न्यूमेरिकली समझ सकते हैं। प्रूफ इसका आप ट्राई करिएगा, जैसे मैंने बाकी थ्योरम्स का एक जनरल प्रूफ कराया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्राई करिए। तो आज का वीडियो जो बेस था, वो ओपन सेट्स इंटीरियर पॉइंट्स की मेन थ्योरम्स पे बेस था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मानी जाती है रियल एनालिसिस की, क्योंकि आगे के जितने वीडियोज़ मैं बनाते जाऊँगा, उसमें हमको इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है। तो सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखें। किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। दोबारा बार बार रिपीट करके अगर आप देखेंगे, तो क्योंकि थ्योरम्स इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, तो अगर आप रिपीटेशन मोड में देखते हैं बार बार इसको, तो आपको ईजिली समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।